स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है इस वक्त आरक्षण का मुद्दा सबसे ज़्यादा अपने जोरों शोरों से है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में एसटी आदिवासियों को जो है 32% आरक्षण का लाभ जो है उनको मिलता था, अब वो आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ 20% जो है हो गए हैं, जब से बिलासपुर हाईकोर्ट का जो 19 सितंबर को आदेश आया और उन्होंने जो 58% आरक्षण जो 2012 में लागू हुआ था उस आरक्षण को जो है रद्द कर दिया। तो आपको बताना चाहता हूँ भूपेश बघेल जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है 32% का आरक्षण का जो है लाभ मिल सके। तो छत्तीसगढ़ में जो है एसटी आदिवासियों को जो है अब मिलेगा 32% आरक्षण, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। विशेष सत्र में होगा फैसला और एससी को कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिलेगा 16% आरक्षण और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिलेगा 14% आरक्षण का लाभ। तो नोटिफिकेशन में क्या कुछ अपडेट्स है, जानकारी क्या निकल कर आ रहा है और किस तरीके से जो है ये आरक्षण जो कम हुआ वो बढ़ सकता है, आप लोगों को मैं जानकारी बताता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1932 में खतिहान आधारित स्थानीय नीति को भी कानूनी दर्जा जो है दिया गया है। तो इसमें झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 70% आरक्षण को दी मंजूरी, यानी कि देखिए झारखंड में भी विशेष सत्र को बुलाकर जो है 70% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों 72% आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो 32% आरक्षण मिलता था वो 32% आरक्षण जो है अवश्य रूप से मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32% आरक्षण के लिए 2 दिन का जो है विशेष सत्र जो है बुलाया गया है। तो झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को राज्य में ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पास हो गया। इसमें ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़कर 27% करने का जो है प्रावधान है, एससी को जो है 28%, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 12% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10%, यानी ईडब्ल्यूएस स्वर्ण जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो नए प्रावधान के बाद अब राज्य में कुल आरक्षण 66% से बढ़कर सीधा 70% तक हो जाएगा। बिल पास होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आज झारखंड के वीर शहीदों और आंदोलनकारियों का सपना जो है साकार हो गया। इसके साथ ही विधानसभा में 1932 के खतिहान के आधार पर स्थानीय नीति को कानूनी दर्जा देने का विधेयक भी जो है पास हो गया। इसके मुताबिक वही झारखंड के मूल निवासी होंगे जिनका या जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के खतिहान में दर्ज होगा। दोनों विधेयकों को जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। विधेयक में कहा गया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद वह राज्य में प्रभावी होगा। राज्य में स्थानीय नीति के साथ नियोजन को भी जोड़ दिया गया है, यानी अब 3rd-4th ग्रेड की नौकरी सिर्फ स्थानीय लोगों को ही मिल सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति को सिर्फ सरकारी नौकरी तक ही नहीं अन्य रोजगारों से भी जोड़ेंगे। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से झारखंड में विशेष सत्र बुलाकर 66% आरक्षण को 70% आरक्षण किया गया, ठीक इसी तरह से जो है छत्तीसगढ़ में भी आपका जो है हो सकता है। विशेष सत्र जो है 2 दिन के लिए बुलाया गया है, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को, जिसमें जो है आरक्षण के मुद्दे पर जो है चर्चा होगा और एसटी कैटेगरी वाले एसटी आदिवासी को जो मिलने वाले 32% आरक्षण है उन्हें 32% आरक्षण दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को जो है 32% आरक्षण के लिए 2 दिन का सत्र होगा। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 32% आरक्षण देने सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलवा लिया है। बताया गया है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण को लेकर सामने आए हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इसी विशेष सत्र के दौरान नया विधेयक भी पेश किया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरक्षण की विधिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल शीघ्र ही वहां जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है उसका पालन सरकार कर रही है। संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए सभी संवैधानिक अधिकार उन्हें जो है प्राप्त होंगे और उसका लाभ उनको जो है मिलने वाला है। तो इस तरह से आरक्षण का जो लाभ है, आरक्षण का जो दायरा है वो कम हो गया है, तब आरक्षण का दायरा अब जो है बढ़ सकता है और इसके लाभ आप लोगों को
फाइनली जो है मिल सकता है। तो जो भी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, आप लोगों को 32% आरक्षण का लाभ मिलता था और मिलता रहेगा, विशेष सत्र में ये फैसला हो जाएगा। जब आरक्षण का मुद्दा सही हो जाएगा उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में जितने भी भर्तियां अभी रुकी गई हैं, चाहे वो आपके सीजीपीएससी भर्ती के हो, 190 से भी अधिक पदों पर जो है इस बार छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी 2022 में जो है परीक्षा जो है होने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ सीजीपीएससी में ही प्यून भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट आना बाकी है। ये सभी आपके आरक्षण के मामलों की वजह से ही अभी प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी जो है नहीं आया, तो कुछ दिनों में रिजल्ट अभी जो है देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट अभी आप लोगों का आ जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ एसआई भर्ती परीक्षा जो सब इंस्पेक्टर सूबेदार प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक का जो एग्ज़ाम था वो आपका जो है निरस्त हो चुका है। तो एसआई भर्ती परीक्षा के लिए जो 6 नवंबर को एग्ज़ाम्स होना था वो भी एग्ज़ाम्स आपके जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। तो बस आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार और करना है, फिर आप इसके लिए आसानी से जो है आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 32% आरक्षण मिलता था, अब उन्हें 32% आरक्षण दिलाने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव जो है प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें जो है आरक्षण का लाभ मिल सके और वो इसका फ़ायदा ले सके। और जितने भी जो अभी काउंसलिंग होना है गवर्नमेंट जॉब की हो उन सभी पर फैसला भी जल्द ही आ सकता है। ये सभी आपके आरक्षण मामलों की वजह से कहीं ना कहीं जितनी भी भर्तियां अभी रुकी गई हैं या फिर जो आपके आने वाली अपकमिंग वैकेंसी है उन सभी भर्तियों पर फिर से मोहर जो है लग सकता है अगर आरक्षण के मामला जो है फैसला निकल के आता है। तो ये देखने वाला मामला है जब आएगा अपडेट्स। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों से यही बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में दोस्तों में जो है शेयर कीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियोस को शेयर ही नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके फैला दीजिए अपने फैमिली में दोस्तों में ताकि उन्हें भी आरक्षण मामले के बारे में जानकारी मिल सके और छत्तीसगढ़ में भी जल्द टीचर्स के 12,489 पदों के लिए भी भर्ती विज्ञापन जो है जारी होगा जिसमें आप लोग आसानी से जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को कंटिन्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, कोई डाउट्स हो तो कमेंट अवश्य करना और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है ज़रूर करूँगा। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का।